हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ मीशो हॉल। मैंने मीशो से कुछ टॉप्स लिए हैं, तो ये टॉप्स हॉल होने वाला है, एक्सक्लूसिव मीशो टॉप्स हॉल। और मेरे पास काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मीशो को हॉल करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक अपने चैनल पर ये नहीं करा था। तो मीशो ना देखिए इंडिया का बहुत ही फेवरेट ऐप बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। मैंने जो भी ये टॉप्स लिए हैं ना, तो वो मैंने दूसरी वेबसाइट पर भी देखे, तो वहाँ पर वो डबल ट्रिपल प्राइस में मिल रहे थे और यहाँ पर इतने सस्ते मिल रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब खरीद के, इतने कम प्राइस में इतने सारे टॉप्स मुझे मिल गए हैं। और मीशो पर आपको इतनी सारी डिफरेंट कैटेगरीज भी मिल जाएगी, विमेंस फैशन, मेंस फैशन, किड्स वेयर, होम, किचन, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें आपको मोर देन 50 लाख से भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। तो आप लोग भी वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और मीशो पर ना एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि आप रीसेल करके कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। आप जो वो प्रोडक्ट का लिंक थोड़े कमीशन के साथ किसी को सेंड करते हैं अपने सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, अपने कलीग्स को, तो आप वहां से कुछ पैसा भी अर्न कर सकते हैं। तो डबल फायदा हो जाता है, शॉपिंग के लिए भी अच्छा है और पैसा कमाने के लिए भी अच्छा। तो यहां पर ये सारे टॉप्स हैं जो भी मैंने मीशो से लिए हैं। मैंने जो ये टॉप अभी भी पहन रखा है, ये भी मीशो से ही लिया है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। पर सबसे पहले मैं आपको ये टॉप दिखाना चाहती हूं जो सबसे ज्यादा मुझे इसमें पसंद आया। तो ये मैंने क्रॉप टॉप लिया है, सेमी क्रॉप आप बोल सकते हो, इतना भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। ये टी शर्ट है और आजकल ना ये काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, ये ऐसे कॉलर वाली, इधर बटन्स होते हैं, कॉटन फैब्रिक है, तो फैब्रिक भी अच्छा है। कलर मैंने इसमें ब्राउन इसलिए लिया क्योंकि ब्राउन मेरे पास शायद था नहीं। इसमें और भी डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर, तो आप देख लेना आपको जो भी पसंद हो। मुझे लगता है मैं इसमें और भी कलर्स लेने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे स्टाइल काफ़ी पसंद आया। दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल, फैब्रिक अच्छा है, स्किन फ्रेंडली है, स्टाइल भी बहुत इन है। ऐसा ये जो कॉलर वाली टी शर्ट चल रही है ना, इसे क्रॉप में इसको अंदर टक करके पहनना तो ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। वैसे बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको पहनना है। और सब ना बिलो 500 ही है, मेरे ख्याल से बिलो 400 ही होंगे, इतने सस्ते हैं और इतने अच्छे टॉप्स मिल गए ना। तो ये मुझे बहुत पसंद आया और ये मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। अगर आपको जो भी इस हॉल में से देखना है पसंद आए, आप ले लेना, पर इसको तो आप ज़रूर ट्राई करना। फिर इसके बाद ये वाइट कुर्ती टॉप है और ये मुझे टॉप्स की ही कैटेगरी में मिला था, तो आप इसे एज अ टॉप पहनिए, कुर्ती पहनिए, दोनों में ही अच्छा लगेगा। और मैंने जब इसको देखा था ना, तो मुझे लगा था कि इसमें मुझे स्पेगेटी अंदर पहननी पड़ेगी, पर इसमें लाइनिंग भी दे रखी है, तो क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। लिनन फैब्रिक है, ऊपर इसके ये मेश लगा हुआ है, फिर इन्होंने ये थ्रेड वर्क इस पर करा हुआ है। पता नहीं ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, पर क्लिप में आपको दिख ही जाएगा इस पे जो भी वर्क है। बहुत ही सुंदर है, 3-4 स्लीव्स है इसकी, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। वाइट मेरा फेवरेट कलर है और इसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये साल्मन पिंक कलर का टॉप है, इसका बेस ऐसे पिंकिश है और ऊपर ऐसा ये फ्लोरल पैटर्न दे रखा है। पॉलिएस्टर में है पर काफी कंफर्टेबल है, फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। यहाँ से ना ऐसे बस्त तक ये थोड़ा सा लूज है, फिर यहाँ पे पूरा ना ये देखो स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच है इसमें। साइज़ मैंने क्या लिया, इसका एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल है, जो भी साइज़ होंगे मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इसकी स्लीव्स भी मुझे अच्छी लगी, यहाँ तक इस तरीके से है और यहाँ रिस्ट के पास भी इन्होंने ये इलास्टिक लगा रखा है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक, और अच्छा लगा दिया है क्योंकि कई लोगों के हाथ बहुत पतले होते हैं मेरी तरह, तो हमें थोड़ा सा टाइट चाहिए होता है, वरना फिर टेलर से करवाना पड़ता है। पर इसमें ये जो है ना, जैसे दे रखा है, आपने क्लिप में भी देख ही रहे होंगे कि मुझे एकदम फिटिंग का आया है, और जिसकी अगर रिस्ट थोड़ी सी और चौड़ी भी होगी तो उसको भी सही से ये आ ही जाएगा। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और इसका नेक भी बहुत अच्छा है, ऐसे थोड़ा सा स्वीट हार्ट सा है, जैसे मैंने ये ब्लैक वाला पहना है, तो ये दोनों सेम ही है, ये पिंक वाला और ये ब्लैक, पर मुझे ब्लैक की फिटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे दोनों बहुत अच्छा है, मैंने जब देखा था ना तो मैंने सोचा दोनों ही कलर ले लेती हूँ, वीडियोज़ वगैरह में काम आ जाएगा। तो इसका भी प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, नेक इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, फिटिंग भी इसकी जो ये वेस्ट के पास आ रही है उसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि पेट इससे और थोड़ा सा अंदर सा हो गया है, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये भी सिर्फ 250 या 300 रुपए का था। नेक्स्ट इज दिस कट स्लीव कॉटन पेपलम स्टाइल टॉप, और पेपलम ये इसलिए है थोड़ा सा क्योंकि इधर यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन है और फिर ना ये वेस्ट के यहाँ से थोड़ा ये इस तरीके से फ्रिल सा है ना, थोड़ा लूज सा हो जाएगा, तो ये जैसे पेट वेट निकला रहता है ना, तो वो इतना नहीं पता चलता है और बहुत ही प्रिटी सा लगता है। फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका, 100% प्योर कॉटन, साइज स्मॉल लिया है,
इसमें आपको स्ट्रैपलेस पहनना पड़ेगा या फिर आप ट्रांसपेरेंट ब्रा भी पहन सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसका, फेस्टिव सीजन के लिए भी अच्छा है क्योंकि ऐसे जो प्रिंट है ना ऐसे ऑरेंज में, रेड में, और ये फ्लोरल भी है, तो आप राखी पे भी पहन सकते हैं, नवरात्रों में भी पहन सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, अच्छा फैब्रिक है, यहाँ पे बटन्स भी लगे हुए हैं, तो ये भी स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको आप स्किनी जीन्स के साथ पहनना, बहुत ही स्मार्ट लगेगा ये। फिर इसके बाद ये लाइट येलो कलर का क्रॉप टॉप है, और ऐसे ये जो गंजी स्टाइल होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, टैंक टॉप, तो इसके ना सारे कलर सब मैं खरीदने लगी हूँ, मुझे अगर अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं तो। ये सस्ता भी था, येलो में मेरे पास ऐसा कोई ये गंजी क्रॉप टॉप नहीं था, तो मुझे कलर भी अच्छा लग रहा था, और नीचे से ना जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे जिगजैग सा डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। इसका नेक भी थोड़ा डिफरेंट है, यूजुअली ऐसे स्क्वायर होता है या राउंड होता है, पर इसका आप नेक देखो थोड़ा सा अलग है, जो कि अच्छा लग रहा है, सेक्सी लग रहा है। तो ये टॉप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और वैसे ही गंजी का ट्रेंड फिर से बहुत ज़्यादा आ गया, वो Y2K फैशन ना अभी से नहीं मेरे लिए, तो मैं तो हमेशा गंजी में ही रह लूँ। मेरे पास इतनी वाइट, ब्लू, पिंक, ब्लैक, इतने सारे डिफरेंट कलर्स के पड़े हुए हैं ना, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, फैब्रिक भी इसका अच्छा होता है, रेयन कॉटन मिक्स होता है, और आप कभी भी पहनो, जीन्स के साथ पहनो, आप लूज जीन्स या फिर टाइट जीन्स के साथ पहनो, सबके साथ ये अच्छा लगता है। फिर एक और ये क्रॉप टॉप है रेड कलर का, और बहुत ही स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, ये देखो पूरा स्ट्रेच ये हो जाता है, तो फिटिंग इसकी अच्छी है, इसकी जो स्ट्रैप्स है इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, और कलर रेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका जो प्रिंट भी है ना, तो वो भी फेस्टिव सीजन के लिए अच्छा है, रक्षाबंधन के लिए, नवरात्रों के लिए, तो आप इसको भी जीन्स के साथ पहन सकते हो, स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हो, अगर आपको ऐसे घाघरा पहनना है, उसके ऊपर टॉप पहनना है, तो इंडो वेस्टर्न लुक भी इसके साथ अच्छा लगेगा। तो ये टॉप भी मुझे अच्छा लगा, इसमें भी डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे, तो जो भी आपको पसंद हो वो आप ट्राई कर सकते हो, फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इज दिस लैवेंडर टॉप, और ये भी वैसे टी शर्ट स्टाइल में जो मैंने आपको ब्राउन वाला स्टार्टिंग में दिखाया था ना, पर ये थोड़ा डिफरेंट है, ये दूसरे ब्रांड का है, इसमें से आगे बटन्स भी नहीं लगे हुए, ब्राउन वाले में आगे 3 बटन्स लगे हुए थे, और ये मुझे फैब्रिक वाइज भी उतना ठीक नहीं लग रहा है, ब्राउन का फैब्रिक ज़्यादा अच्छा, दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस, कलर बहुत प्यारा है, पर अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था दोनों ब्रांड में से सेम स्टाइल में खरीद के देखती हूँ, जो अच्छा लगेगा फिर बाकी के कलर्स लूँगी, मुझे ब्राउन वाला ज़्यादा बेटर लगा, पर ये भी अच्छा है, कलर बहुत ही प्रिटी है, पर मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि फैब्रिक की भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा, स्टाइल भी, मुझे बटन्स के साथ भी, जैसे बटन है ना, और ये जो चीज़ है ना नेक में, वो भी मुझे ब्राउन वाला ही अच्छा लगा, तभी मैंने उसे टॉप पर रखा था, पर ये भी अच्छा है। फिर ये दो और गंजी क्रॉप टॉप है, टैंक टॉप जो होते हैं, और वाइट में मेरे पास एक और था ही, पर मैंने जो प्राइस यहाँ पर देखा तो इतना सस्ता मिल रहा था, ये दोनों मुझे इतने कम प्राइस में मिले हैं, मतलब ये सेट में आया था और सिर्फ 200 या 300 रुपये का पड़ा होगा, तो 150-150 रुपये का, जो कि बहुत 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 सस्ता है अगर मैं दूसरी साइज से कंपेयर करूं, तो दोनों ही अच्छे हैं, फैब्रिक भी अच्छा है, और वाइट और ब्लैक देखिए ऐसे कलर है कि आपके काम आ ही जाते हैं, ये तो मैं बहुत सारे रखती हूँ, वो जकबक वाली आदत है मेरी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलो वाइट एंड ब्लैक पहन लिया, और ये हर टाइप की जीन्स के साथ जाता है, आप लूज जीन्स पहनिए, टाइट जीन्स पहनिए, आपने बस ये सब ये गंजी क्रॉप टॉप पहना चल जाएगा, और ब्लैक और वाइट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप इसको अंदर भी पहन लो, उसके ऊपर कोई जैकेट डाल लो, शर्ट डाल लो, उसमें भी ये अच्छा लगता है, तो मैंने ये एक ब्लैक लिया है जिसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आई है, साइज स्मॉल लिया है, और दूसरा ये वाइट है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये होने चाहिए, अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। एंड लास्ट इज दिस वेरी क्यूट टी शर्ट, और इस पर ये प्यारी सी 3 बटरफ्लाइज बनी हुई है, मुझे बटरफ्लाइज काफ़ी अच्छी लगती है, और ये वाइट में ही इसलिए लिया है क्योंकि मुझे वाइट बहुत पसंद है, टी शर्ट में बेसिक कलर ऐसे वाइट ब्लैक काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ये ऐसा एकदम क्रॉप भी नहीं है, इसको आप बाहर निकाल के भी पहन सकते हो, मिड वेस्ट या फिर लो वेस्ट के साथ, या फिर आप अगर इसको हाई वेस्ट के साथ पहन रहे हो तो टक करके पहन लो, तो भी ये बहुत ही स्मार्ट लगेगी, फैब्रिक भी इसका अच्छा है, रेयन कॉटन मिक्स है, फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आई है, और इसका भी प्राइस काफ़ी कम था, अराउंड 200 या 250 रुपए की ये होगी। तो मैंने आपको सारे टॉप्स दिखा दिए हैं जो भी मैंने मीशो से लिए हैं, एंड आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी काफ़ी कम में मुझे ये मिला है, और डिज़ाइंस भी मुझे अच्छे लगे हैं, तो मुझे ये सारे टॉप्स काफ़ी पसंद आए, और आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टॉप सबसे ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी टॉप्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या जो भी इसका जो नंबर होता है ना, सब डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, और कुछ पूछना चाहते होंगे तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।